नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। जीव की प्रेतवत अवस्था पंच प्राणों एवं उप प्राणों के स्थूल देह संबंधी कार्य की समाप्ति दर्शाती है। जिस समय जीव निष्प्राण हो जाता है, उस समय जीव के शरीर में तरंगों का वहन लगभग थम सा जाता है और उसका रूपांतर कलेवर में होता है। कलेवर यानी कि स्थूल देह की किसी भी तरंग को संक्रमित करने की असमर्थता दर्शाने वाला अंश। कलेवर अवस्था में देह से निष्कासन योग्य सूक्ष्म वायुओं का वहन बढ़ जाता है। मृत देह को दक्षिणोत्तर रखने से कलेवर की ओर दृष्टि, दक्षिणोत्तर में भ्रमण करने वाली यम तरंगे आकर्षित होती हैं और मृत देह के चारों ओर इन तरंगों का कोश तैयार हो जाता है। इससे मृत देह के निष्कासन योग्य सूक्ष्म वायु का अल्प कालावधि में विघटन होता है। निष्कासन योग्य सूक्ष्म वायु के कुछ भाग मृत देह की नासिका और गुदा से वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण निष्कासन योग्य रज तमात्मक दूषित वायु से मृत देह मुक्त हो जाती है, जिससे वातावरण में संचार करने वाली अनिष्ट शक्तियों के लिए देह को वश में करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मृत देह को दक्षिणोत्तर रखा जाता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी देह को घर में रखते समय उसके पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण यम दिशा है। व्यक्ति का प्राणोत्क्रमण होते समय उसके प्राण यम दिशा की ओर खींचे जाते हैं। देह से प्राण बाहर निकलने के बाद दूसरे निष्कासन योग्य वायु का देह से उत्सर्जन प्रारंभ होता है। इस उत्सर्जन की तरंगों की गति तथा उनका आकर्षण खिंचाव भी अधिक मात्रा में दक्षिण दिशा की ओर होता है। साथ ही व्यक्ति की कटी के निचले भाग से यानी कि कमर के नीचे के भाग से ज्यादा मात्रा में वासनात्मक तरंगों का उत्सर्जन होता रहता है। इसके लिए यम तरंगों के वास्तव्य वाली दक्षिण दिशा की ओर ही उस व्यक्ति के पैर रखने का शास्त्र है। ऐसा करने से यम तरंगों की सहायता प्राप्त होकर व्यक्ति की देह से उसके पैरों की दिशा से अधोगति से ज्यादा निष्कासन योग्य तरंगे खींचकर इस वायु का योग्य प्रकार से ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन होता है, जिससे चिता पर रखने से पहले देह ज्यादा मात्रा में रिक्त हो जाती है। ये दिशा बड़े स्तर पर देह से बाह्य दिशा में विसर्जन होने वाली निष्कासन योग्य वायु के प्रक्षेपण के लिए पूरक होती है। दक्षिण दिशा में देह रखने का विधान इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण दिशा में यम देवता का अस्तित्व होता है। इसलिए उनके सानिध्य में देह से प्रक्षेपित होने वाली निष्कासन योग्य वायु के उत्सर्जन के उपरांत विलीनीकरणात्मक प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में दोष विरहित करने का प्रयास किया जाता है। और अगर मृत्यु के बाद देह को निष्कासन योग्य वायु के उत्सर्जन के लिए संबंधित दिशा पूरक न रखें तो ये तरंगे घर में ज्यादा समय तक घनीभूत होने की संभावना होती है। इसलिए यम दिशा की ओर इस निष्कासन योग्य तरंगों का वहन होने के लिए मृत व्यक्ति के पैर घर में दक्षिण दिशा की ओर रखने की पद्धति है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।